नमस्कार, मैं आचार्य सचिन तुलसी हेल्थ केयर फैजपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ और आज हमारा पांच दिन का शिविर संपन्न हुआ है। योग प्राणायाम चल रहा है और आज आखिरी दिन है, तो काफी दूर दूर से हमारे बीच में शिविर करने के लिए लोग आए हैं। पुणे से आए हैं, मुंबई से आए हैं और जलगांव से आए हैं। जलगांव से इस बार काफी लोग आए हैं और खरगोन से भी लोग आए हैं। हम सबके धीरे धीरे रिव्यू सुनेंगे। अभी कुछ लोगों को मैं रिव्यू के लिए उधर ले गया हूँ, देखेंगे आप। पूरा अच्छा दृश्य भी है, ये ऊपर का हॉल है और हॉल में अभी योग प्राणायाम चल रहा है और हॉल में योग प्राणायाम करते करते अंतिम अवस्था में हम आज लोगों के फीडबैक भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे बीच में एक ऐसा प्राकृतिक चिकित्सालय जलगांव और भुसावल के सेंट्रल रेलवे पर उपलब्ध है, जो आप मुंबई, पुणे, नासिक और इधर आप मनमाड़ से लेकर, खंडवा से लेकर, जबलपुर से लेकर हर जगह के लोग शिविर करने के लिए आ सकते हैं। तो संपूर्ण सुव्यवस्थाओं के साथ में मैंने काफ़ी सारे वीडियो भी बनाए, इसका व्लॉग भी बनाया है, घंटे का पूरा। यहाँ पे कैसे कमरे, रुकने की व्यवस्था है, कैसे चिकित्सा की व्यवस्था है, यूट्यूब पर सब कुछ डाला हुआ है। दोनों चैनल पर, तुलसी हेल्थ केयर सेंटर और मेरे व्यक्तिगत चैनल आचार्य सचिन के नाम से भी, दोनों चैनलों पर आप पूरा डिटेल में इस सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हर महीने शिविर लगते हैं और पाँच दिन के शिविर यहाँ पर चलते रहते हैं और शिविर का नाम है शरीर शुद्धि प्राकृतिक चिकित्सा शिविर। अभी मई का महीना चल रहा है और हमने दिनांक 4-9 मई के बीच में यहाँ पर एक शिविर आयोजित किया। शिविर में जलगांव के काफ़ी सारे लोग आए, मेरे साथ में काफ़ी सारे लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं और अपनी अनुभूतियों से वो बताना चाहते हैं कि उनको शिविर में कैसा लगा और शिविर में उन्होंने क्या क्या सुना, क्या क्या सीखा और यहाँ का भोजन, यहाँ के रहने की व्यवस्था है और 5 दिन के बाद में, शिविर करने के बाद में उनके शरीर में, उनके मन में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे बीच में यहीं के पास में ही हेमंत जी झोपे जी है, हमें बापू जी शिरोड़े जी है, राहुल पाटिल जी है और जलगांव के अच्छे पुरोहित समाज से, ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठित पुरोहित हमारे बीच में श्रीकांत रत्न पारखी जी है, जो इस संप्रदाय से भी जुड़े हैं, सतपंथ संप्रदाय से जुड़े हैं। इस संस्था के संस्थापक परम पूजनीय महामल्लेश्वर जनार्दन महाराज के कृपा पात्र शिष्य में भी रत्न पारखी जी का नाम सबसे सर्वोपरि के रूप में लिया जाता है और काफ़ी दिनों से सेंटर तो खुल गया था, शिविर चल चुके थे पर पुरोहित जी की व्यस्तता के कारण शिविर नहीं कर पा रहे थे, पर इन्होंने अभी शिविर किया और शिविर करने के बाद में इनकी अनुभूतियाँ कैसी रहेगी हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी अनुभूति कैसी रही, क्योंकि आप देश भर में घूमते हो, नाना प्रकार के लोगों से मिलते हो, लोगों की समस्याओं से भी आप अवगत होते हो। तो ये सेंटर महाराज जी का जो ये सेंटर है और ये जो अवधारणा हम लोगों ने 5 दिन के अंदर आपको करवाई, ये समाज के लिए किस तरह से उपयोगी रहेगी और आपको करके कैसा लगा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। श्रीकांत रत्न पारखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सबको, जय गुरुदेव। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब प्राकृतिक चिकित्सा शिविर के बारे में हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर आचार्य जनार्दन हरिजी महाराज जो हमारे गुरुजी है, उन्होंने हमें बार बार कहा कि आप कीजिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो धर्म कार्य है, पूजा पाठ कर्म कांड कार्य मेरा जो है वो करने में मुझे काफ़ी उत्साह था, लेकिन पिछले कई सालों से लगभग कोरोना के बाद तबीयत बढ़ती गई और वजन घटाने के लिए नाना प्रकार, हर प्रकार से मैंने प्रयास किया, डॉक्टर किए, कुछ दवाइयाँ ली, लेकिन इसका उल्टा ही इफेक्ट होता गया। खर्चा तो बहुत हो गया लेकिन उसका असर अच्छे से होता नहीं था और फिर भी मेरे जो कार्यक्षमता है, कार्यकुशलता है, उसमें कमी आने लग गई, थकावट आने लग गई, काम करने में थकान महसूस, काफ़ी थकान महसूस होती थी और जो प्रसन्नता रहती थी वो काम में बस करना है, इसलिए थोड़ा सा काम छूट भी जाता था बहुत सारा। बड़ी बड़ी पूजाएं करते आप और घंटों तक पूजाएं चलती है, घंटों तक यज्ञ चलते हैं, तो मुझे बैठना पड़ता है, बहुत बार बैठना पड़ता है, 4-4, 5-5 घंटे बैठना पड़ता है और हमारा जो खान पान भी होता है वो काफी मीठा होता है, हेवी होता है, खिलाते भी है, उपवास के व्रत के जो पदार्थ होते हैं वो पचन के लिए, चयापचय क्रिया भी रुक जाती थी, उससे मुझे बद्ध कष्ट था, कब्ज, इसे प्रॉब्लम्स और घुटनों में दर्द ये काफी रहने लग गया और वजन बढ़ता गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा ब्राह्मण समाज को कि ब्राह्मण वर्ग हमारा एक समाज का बहुत ही प्रतिष्ठित वर्ग है और बहुत ही बहुमूल्य, जो समाज को दिशा और दशा और दिशा में सुधार लाता है। तो
ब्राह्मण समाज के साथ में काफी पूजा पाठ होती है और काफी कुछ उनको भोजन के लिए बार बार बुलाया जाता है, उसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। और ब्राह्मण समाज को सुनना चाहिए, हमारे पुरोहित जी का अनुभव कैसा लगा? मुझे हर कार्यक्रम में बैठना पड़ता है, बहुत बार बैठना पड़ता है, खाना भी, और हर रोज हमें अलग अलग जगह पे पूजा पाठ करने जाना पड़ता है। जो यजमान होते हैं हमारे, तो हमें मिठाई खिलाते हैं, उनको लगता है पंडित जी घर पे आए तो अच्छे अच्छे भोजन पकवान बना के खिलाएंगे, और हम खाते भी है, कैसा कार्यक्रम का जो शेड्यूल होता है उस तरह से। लेकिन हुआ क्या कि उस वजह से वजन बढ़ता गया, और वजन घटाने के लिए बहुत बार बहुत प्रयास भी किए गए, लेकिन उसका असर साइड इफेक्ट मुझे ज़्यादा हुआ, मतलब तबीयत बढ़ती गई, और उसका मतलब खर्चा भी एक तरफ हुआ, और शारीरिक वजन क्षमता जो होती है कार्य क्षमता वो भी कम होने लगी। लेकिन हमारे गुरुजी ने जब हमें बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में ऐसा लाभ होता है, लेकिन सुनना और अनुभूति करना इसका जो फर्क होता है, जो हमने यहाँ पे अनुभव किया, जैसे 5 दिन पहले जब हम यहाँ पे आए थे, मेरा वजन था लगभग 106 किलो, और आज लगभग 2.5 से 3 किलो वजन मेरा घट गया 5 दिनों में। इससे जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है, पर डे कम से कम 400 से 500 ग्राम घटा। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें ये पता भी नहीं था कि हमारे शरीर में इतनी गंदगी है, इतना मैल है, इतना एसिडिटी, एसिड कैसे बनता है। जिस तरह से आचार्य जी ने हमें बताया, सचिन जी ने, कि शरीर शुद्धिकरण, क्योंकि हर जगह पंचकर्म सुना जाता है, लेकिन असल तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा, जिसे नैसर्गिक उपचार, निसर्ग उपचार, नेचुरोपैथी बोला जाता है, तो क्या है? तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि अनुभूति के बाद में आपको समझ में आएगा कि जिस तरह से जो नाक कान हो, या पूरा शरीर हो, या पैरों तक की जो चिकित्सा है, बालों से लेकर पैरों तक, ये किस तरह से नैसर्गिक क्रिया से, प्राकृतिक चिकित्सा से की जाती है, उसका अनुभव लेने के बाद आज 5 दिनों के बाद लगभग 2.5 से 3 किलो वजन मेरा घट गया, तो मुझे उत्साह अनुभूति। और यदि 5 दिनों में इतना हो सकता है, आपने दिया हुआ जो डाइट है यदि मैं फॉलो करूँगा पूरी तरह से, क्योंकि मुझे एक याद हुआ है कि ये प्राकृतिक है, इसमें खर्चे वाली बात नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में डर लगा रहता है। डर की बात जो सामने आई, और ये समाज के अंदर पूरे देश में प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर, या पंचकर्मों को लेकर, या शरीर शुद्धिकरण की क्रियाओं को लेकर मन में काफी सारा डर और भय छिपा हुआ है। तो मैं हमारे पंडित जी से पूछना चाहूंगा कि 5 दिन के अंदर कुछ चिकित्साओं में आपको ऐसे कष्ट या तकलीफ या कठिनाई हुई हो, या आपके भोजन में ऐसा लगा हो कि हम भोजन ये खा नहीं सकते, स्वादिष्ट नहीं है, या निगल नहीं सकते। लोगों के मन में यही दुविधा है, पर वास्तव में ऐसा भी है भी। दूसरे प्राकृतिक चिकित्सालयों में भोजन इस तरह से दिया जाता है कि वो आगे चल के उसको फॉलो नहीं कर पाता है, और चिकित्साएं ऐसी रहती, कठिन रहती, जो कर नहीं पाते। तो यहाँ की चिकित्साएं आपको कैसी लगी? डरावनी लगी, सहज लगी, कि आनंददायक लगी? सर, सही मायने में देखा जाए तो वजन घटाने के लिए बहुत सारी जगह पे मैं जाके आ चुका हूँ। अच्छा। और वहाँ पे जो डाइट फॉलो करना पड़ता है, या तो फिर तो आपको पूरा भूखा रखेंगे, या तो बिना नमक की सब्जी खिलाएंगे, जिससे क्या होता है, वो डर बैठ जाता है कि एक तो डाइट भी करो और तबीयत भी कम करो, होता उसका उल्टा ही है। जब वो खत्म हो जाता है, उसके बाद में ऐसा लगता है क्या खाए और क्या ना खाए। यहाँ पे जिस तरह से हमें डाइट दिया गया, उसमें पौष्टिकता भी थी, पूरा नेचुरल तरीके से जो फ्रूट्स है, जो स्वाद भी है फ्रूट्स हो, और शरीर को जो जरूरत है, नैसर्गिक चिकित्सा में ऐसा बताया गया कि शरीर को जिस चीज़ की जरूरत है उतना आपको पूरा 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 खाना चाहिए। हमें और ऐसा लगता था कि इतना ही देंगे, लिमिटेड देंगे, लेकिन पूरा पेट भर के हमने खाया। और पहली बार मैंने ऐसे देखा कि बहुत सारा खाना खिला के भी वजन घटाया जा सकता है। ये पहली बार अनुभूति, मेरे सब भाइयों को भी ये अनुभूति आई है, और ये आनंद का माहौल हो गया। मतलब ऐसा लगता है कि यदि मैं 3 महीने का आपका डाइट फॉलो करूंगा। चिकित्सा लेने में कोई चिकित्सा होती है, जैसे लोग डर जाते हैं कि ऐसा होगा, तो चिकित्सा कुछ कष्टप्रद या कोई कठिन लगी आपको? सही बोलो तो एक भी चिकित्सा वैसे, फिर हमको तो आनंद आने लग गया। कि पहले दिन था मन में, जब से चिकित्सा की नहीं थी, डर था। जब तो डर था कि क्या होगा, कैसी रहेगी, और करने के बाद लोग रोज हमें उत्सुकता रहती, चल इसके बाद वो चिकित्सा होगी, ये सूर्य चिकित्सा होगी, अभी कटी स्नान होगा। मतलब ये चिकित्सा इतनी आसान है और इसका लाभ भी इतना है तो पता नहीं था, और जिस तरह से हमने जाना तो इसका लाभ इतना है, तो हम तो ये प्रयास में रहेंगे कि इसको ही फॉलो करें। और जैसे कि हमारे निवेदन करना चाहूंगा दर्शकों को कि एक दिमाग में ये भय निकाल दीजिए कि ये चिकित्सा कठिन होती है ना, ये एक प्रचारक किया गया है कि प्राकृतिक चिकित्सा कठिन होती है, वहाँ भूखा रखा जाता है, वहाँ पर बुला भोजन दिया जाता है, और वहाँ पर ये चिकित्सा ले नहीं सकते हैं, इसलिए
नौजवान पीढ़ी और जो वाणी समाज के लोग है, गुजराती समाज के लोग है, सिंधी समाज के लोग है, मारवाड़ी समाज के लोग है, वो सोचते हैं कि हमको खाने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भोजन दिया जाता है, चिकित्साएं बिल्कुल सरल है, आनंददायक है, उत्साह उमंग नाचते गाते चिकित्साएं होती है। यही चिकित्साएं हमने कुछ परिवर्तन किए, देश भर के जितने भी चिकित्सालय है उन चिकित्सालयों से हमने कुछ अलग तरह का चिकित्साओं को विकसित किया। अलग नहीं, चिकित्साएं वही है पर उनको आनंददायक वातावरण में, खुशनुमा वातावरण में और सकारात्मक भाव के साथ में चिकित्साएं दी जाती है और एक आत्मीयता वातावरण में और एक आध्यात्मिक वातावरण के साथ में चिकित्सा हमने विकसित करी। हमारे बीच में पास के गांव के और यहाँ के ट्रस्टी भी है श्री राहुल पाटिल जी, ये भी काफ़ी दिनों से सोच रहे चिकित्सा ले और चिकित्साएं की, काफ़ी प्रतिष्ठित समाज से बिलोंग करते हैं, इनकी अनुभूतियाँ उस समाज के लिए भी लाभप्रद होगी जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो बताइए राहुल जी, आपको कैसा लगा इस शिविर में? नमस्ते, मेरा नाम राहुल पाटिल, मैं पास में कहीं निम्बोल गांव से हूँ और मेरा मैं खुद टीचर भी हूँ, मेरा बिजनेस भी है और खेती भी है और मैं करीब 23-24 साल से सतपंथ संप्रदाय से इस ट्रस्ट से जुड़ा भी हूँ। तो जब इस ट्रस्ट की नींव रखी गई तो महाराज जी से हम पूछते थे कि हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, तो महाराज जी बोल रहे थे कि आपके निरोगी स्वास्थ्य के लिए हम ऐसी एक वास्तु बना रहे हैं, आपका हमारा जो इतना भी सतपंथ परिवार और जितना भी हमारा परिसर है, परिसर और जहाँ पर भी हमारा देश, सबके सबके स्वास्थ्य के लिए हम कुछ अलग सी चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो जब जाके नेचुरोपैथी निशोपचार सेंटर, इसका हमको पता नहीं था और यहाँ पे भी जब बना तो पता चला कि ये कैसे होता है, तो सबके मन में उत्कंठा थी कि हम भी वो शिविर करें। तो आज मैं आपको आनंद से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो शरीर की गंदगी है ये पूरी निकालने में आचार्य सचिन जी का बहुत बड़ा सहयोग है और हमारे मन की जो गंदगी है वो निकालने में हमारे गुरुवर परम पूज्य महामंडलेश्वर जनार्दन हरिजी स्वामी, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। यहाँ पे दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम किया जाता है, शरीर का मैल निकालने में और मन का मैल निकालने में। तो आपके शरीर, आप हर एक के पास में पैसा है लेकिन वो पैसा आपका शरीर का मल नहीं निकाल सकता और मन का मल नहीं निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं। और आपको इस सेंटर में गौ माता भी है, एक बहुत बड़ा गार्डन भी है और रहने की एक नंबर 5-स्टार जो व्यवस्था है वो भी है, क्योंकि हर आदमी जाता है तो उसके मन में रहता है कि हम कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। तो यहाँ पर एक बार आपकी एंट्री हो जाए तो आपको 5 दिन बाहर निकलने नहीं देता, आपको बाहर का कुछ भी खाना नहीं है, सब यहाँ का ही भोजन करना है और यहाँ पर ही सभी क्रियाएं करना है। तो उत्तम भोजन, स्वादिष्ट भोजन और सात्विक भोजन ये अपने को यहाँ मिलता है और सब नेचुरल तरीके से बनाया हुआ मिलता है। और हमें, मुझे खुद को बहुत बड़ा अनुभव फीलिंग हो रहा है, मुझे पेट का बहुत तकलीफ थी जो मेरे, मुझे बार बार पेट साफ नहीं होता था, तो अभी 5 दिन में इतना रिलीज हो गया कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक स्टैचू है, उस स्टैचू को आप देखेंगे तो उसके पंख फैलाए हुए, हवा में एकदम गहरी सांस लेकर आदमी उड़ रहा है, पंछी उड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे, मैं भी वैसा ही खुद अनुभव कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो पंचकर्म है ये सीनियर सिटीजन लोगों ने करना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सीनियर सिटीजन ने तो करना ही चाहिए लेकिन जो युवा है और जो युवती है उनको करना चाहिए अपने भविष्य के लिए, क्योंकि हम भविष्य में हमको जो भी हमारा खान पान जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो हम हमारा खान पान चेंज करें और हमारा इस डाइट को फॉलो करें, और डाइट को फॉलो कुछ भी कर अलग से करना नहीं है, जो हमारा रोज के घर में हमारा बनता है वही हमको करना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज करना है। तो राहुल पाटिल जी, जैसे कि आप एक समस्या को लेकर जब मेरी आपके विस्तार से जब मैं से आपके व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग हुई तो राहुल पाटिल जी ने बताया कि इनको प्री डायबिटिक डिटेक्ट हुआ है और प्री डायबिटिक डिटेक्ट हुआ है, तो ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपकी जो चिकित्सक लोगों से बातचीत हुई, जो डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, उनका क्या कहना था और इस चिकित्सा का किस तरह से आपकी डायबिटीज को कंट्रोल या डायबिटीज रिवर्स में कैसा सहयोग करेगी? उन्होंने मुझे बताया था कि आपको डायबिटिक जो है वो आपके वजन की वजह से है, मेरा वजन करीबन 15 किलो बढ़ गया है पिछले 6-7 महीनों में, 8 महीने में, तो उसी के उसी पे उन्होंने टारगेट किया था कि आप वजन कम करो, लेकिन बाहर मार्केट में वजन कम करने के लिए जो भी गोलियां वगैरह कुछ फूड सप्लीमेंट मिलता है उससे कम तो होता है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहता है। और फिर बाद में मैंने सचिन जी से बात की, उनसे समझ लिया कि नेचुरोपैथी से आप अपना वजन घटा कर उसको कंटिन्यू वैसा घटा हुआ कम कर सकते हैं, यानी उसको मेंटेन कर सकते हैं, तो उससे आपका हर चीज़ का जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन रहेगा और पैनक्रियाज बहुत बढ़िया से काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने
भोजन में क्या लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, हमारे शरीर में एसिड कैसे तैयार होता है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, जो मैं मुझे पता नहीं था, यानी मुझे उसका पता कुछ भी नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो उस मेरे नॉलेज में आ गया और अभी वो फॉलो करने से ये सब मैं आगे कर पाऊँगा। इस चार दिनों में मेरा वज़न 3 किलो 350 ग्राम एक कम हुआ है, वो भी मुझे बहुत हर्ष हो रहा है उसके लिए कि मैंने कुछ भी नॉर्मल किया है। यहाँ का डाइट जो था वो हमारा घर पे जो डाइट मिलता वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है, तो उसको चेंज करके अपन इतना कर सकते हैं। तो अगले 3 महीने अगर मैं डाइट फॉलो करूँगा, और मैं तो करने वाला ही हूँ, 3 महीने में तो ये वज़न मेरा 10 किलो में कम करके उसको प्री डायबिटिक से भी जो नॉर्मल में है वहाँ पे लाने का मैं मेरा प्रयास करूँगा। शुद्धिकरण की क्रियाओं में जैसे कि शंख प्रक्षालन है, जल नीति है, सूर्य चिकित्सा है, मिट्टी चिकित्सा है, जल चिकित्सा है, इन सब चीज़ों में आपको कौन सी चिकित्सा सबसे अच्छी लगी? शंख प्रक्षालन मुझे सबसे बढ़िया लगा। क्या होता है शंख प्रक्षालन? शंख प्रक्षालन में जो है शंख प्रक्षालन क्रिया ये जो जो होती है शिविर में 3rd-4th दिन के बाद में होती है, तो उसके लिए पहले दिन से हमारा शरीर तैयार किया जाता है कि आपको क्या करना है, तो खाना डाइट कैसा चाहिए उसके चाहिए। उसके बाद में एक जल पिलाया जाता है जिसमें नींबू और नमक रहता है, कुछ दूसरी चीज़ नहीं रहती है। उसके बाद में कुछ आसन जो है हमारे शरीर के जो अलग अलग वाल्व है हमारे पेट में वो खोलने के लिए आसन सिखाए जाते हैं, और जल लेकर हम आसन करते हैं तो अपने आप वो पानी नीचे से आता है, तो जब वो पेट साफ होता है तो हमारा बहुत सालों से जमा हुआ जो मल है वो पूरा निकल जाता है, और निकलने के बाद में अपने को ऐसा लगता है कि कितना दिनों से हमने कुछ खाया था और सब मोकला हो गया, तो पेट एकदम साफ, उसके बाद में किसी प्रकार का तनाव नहीं, आँखों की जलन कम हो जाएंगी, उसके बाद में आपको हल्का सा लगेगा। मैं वो फीलिंग कर रहा हूँ कि मेरे आँखों में जलन होती थी, क्योंकि पेट नहीं साफ होता था तो आँखों में जलन आती है, तो 2-3 दिन से वो बहुत अलग से मुझे फीलिंग्स आ रही है, और उसके बाद में मेरा पेट अच्छे से साफ हो गया, और जो पानी बाद में जो 2 गिलास आखिरी में पानी पिलाया जाता है, एक तो 10 गिलास पानी उसके बाद में 2 गिलास पानी, तो जो 2 गिलास शुद्ध पानी पिलाया जाता है वो ऐसा का वैसा शुद्ध पानी नीचे से निकलता है हमारे गुदा द्वार से, तो वो इतना पेट हमारा जो साफ होता है, वो जो छोटा बच्चा रहता है जन्म लिया हुआ बच्चा उसका जितना पेट साफ होता है उतना पेट हमारा साफ हो जाता है, तो उसको अपन कंटिन्यू कर सकते आगे इनके हिसाब से डाइट फॉलो। पेट यदि हमारा खराब है, पेट में कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, तो सभी प्रकार की बीमारियों का मूल कारण होता है बड़ी आंत में जमा हुआ मल का ढेर, मल की गंदगी जो समोसा कचौरी फास्ट फूड खाने से होती है। वो गंदगी को निकालने के लिए दूसरे सेंटरों पर नेचुरोपैथी में एनिमा दिया जाता है, 1-2 फीट की क्लीनिंग की जाती है, या एडवांस लेवल पर नेचुरोपैथी कोई सेंटर है, बड़े सेंटर है, तो वहाँ पर कॉलन क्लीनिंग की मशीन से पेट को साफ किया जाता है, जिसमें नीचे से पानी डालकर नीचे से निकाला जाता है। पर हमारे ऋषियों के द्वारा और हमारे जो देश भर के अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटरों पर जो हमारी प्राचीन ग्रंथ घृण संहिता के अंदर वर्णित शंख प्रक्षालन की विधि को आधुनिक चिकित्सा के साथ में कोलिब्रेट करके एक सिस्टमेटिक तरह से पूरे माउथ टू एनस की पूरी क्लीनिंग की जाती है, मतलब मुंह से पानी पिलाकर नीचे से निकला जाता है, ये इस सेंटर पर हम कराते हैं। हमने हजारों लोगों को शंख प्रक्षालन की विधि कराकर उनको कब्ज, गैस, एसिडिटी से मुक्त कराया है, तनाव से दूर किया है, सर दर्द से ठीक किया है, आँखों की जलन से ठीक किया है, और काफ़ी सारी बीमारियां से ठीक किया। शंख प्रक्षालन की विधि यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक करी जाती है। हमारे बीच में इस शिविर के सबसे बुजुर्ग और सबसे वरिष्ठ बापूजी शिरोड़े पधारे हैं, जलगांव से है, अपने धर्म पत्नी और अपनी मतिमंद एक कन्या है, लड़की है, उसके साथ में शिविर किया। आपको कैसा लगा, आप आराम से बोलिए हमारे दर्शकों को। मैं तो खुद को भाग्यवान समझता हूँ, हाँ, कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। श्री जनार्दन हरि जी महाराज हमारे गुरुवर्य है, हाँ, उनकी ये माइक लगा लेते हैं ना, फिर से बोलिए। नमस्ते, मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। जी, जनार्दन हरि जी महाराज हमारे गुरुवर्य है, मेरा भाग्य है कि उनसे मुझे दीक्षा मिली है, और जनार्दन हरि जी महाराज का देह है कि यहाँ का परिसर है, अपना देश है, अपना राज्य है, यहाँ के सब लोग तंदुरुस्त रहे, दुरुस्त रहे, और उनको सारी तरह की सुविधाएँ कम से कम खर्चे में अच्छी अच्छी सुविधाएँ मिले, ताकि वो उनका आरोग्य मेंटेन कर सके। और ये हिसाब से यहाँ नेचुरोपैथी सेंटर महाराज ने खुलवाया है, जो कि बहुत सारी सुविधा से परिपूर्ण है। आप कहीं भी गए तो एक आधे रिसोर्ट में गए तो रहने का खर्चा ही इतना आता है कि जितना यहाँ अपने को पूरी चिकित्सा का मिलता है, तो यहाँ इतने कम खर्चे में इतनी अच्छी चिकित्सा मिलती है
कि यह हमारे लिए एक उपलब्धि है और हमारे लिए एक देन है, महाराज की कृपा से हमें ये मिली है। और हमने डिसाइड किया था कि हम कैसे भी हो हम यहाँ जाए और अपना नेचुरोपैथी सेंटर में चिकित्सा करें, ताकि हम हमारा शरीर में जो कुछ साफ सफाई करना है वो हम ठीक से कर सकें, ताकि हम हमारा उर्वरित आयुष्य हम सुखचैन से और आरोग्यदायी जी सके। आपको यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो बड़ी अच्छी लगी, चिकित्साएं कैसी लगी? चिकित्सा तो बहुत अच्छी लगी। चिकित्सा मैंने बहुत से नेचुरोपैथी सेंटर के बारे में सुना है, मगर यहाँ का जो मैंने वातावरण देखा, सचिन जी जो डॉक्टर है वो इतनी आत्मीयता से चिकित्सा करते हैं कि जैसे अपने घर के मेंबर्स की चिकित्सा हो सके, ऐसा यहाँ पे व्यवहार पेशेंट या डॉक्टर ऐसा नहीं है, अपने घर के लोगों जैसी चिकित्सा की जाती है। अपना खुद का शरीर कैसा करे जाए पूरी प्रोसीजर समझाई जाती है और चिकित्सा बहुत स्मूथली की जाती है। यही अंतर हो रहा है भाई मित्रों कि समाज में चिकित्सक लोग बीमारियों से डर व्याप्त करते हैं, डर पैदा करते हैं, डर के कारण शिविर रोगी रोग की चिकित्सा करता है। तो और दूसरी चीज व्यवसायीकरण हो गया हर चीज का, वो प्राकृतिक चिकित्सा का हो, पंचकर्म का हो या एलोपैथिक चिकित्सा पद व्यवसायीकरण हो गया है, जिसमें एक रोगी को एक चिकित्सक पर पूरा विश्वास नहीं आ पा रहा है। पहले जो चिकित्साएं होती थी वो एक आत्मीयता के साथ में होती थी, विश्वास के साथ में होती थी, इसीलिए चिकित्सक को भगवान बोला जाता था। अभी वर्तमान में क्या बोला जाता है भगवान जाने, पर चिकित्सक को एक विश्वास और आत्मीयता वाला वातावरण देने की जरूरत है। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि कोई रोगी या कोई परेशान व्यक्ति व्याधि को लेकर हमारे पास में आए तो उसको ये विश्वास तो हो कि मैं सही व्यक्ति के पास में सही जगह इलाज करा रहा हूँ। अन्यथा हम लोग क्या करते हैं कि कोई बीमारी के लिए कोई व्याधि के लिए एक चिकित्सक से सलाह लेते हैं, फिर हमको समझ में नहीं आता दूसरे चिकित्सक से सलाह लेते हैं, फिर तीसरे चिकित्सक से सलाह लेते हैं, और ये करते करते हमारे पास प्रयोग होते रहते हैं दवाइयों के, और दवाइयों के प्रयोग होते होते हम थक जाते हैं। आखिरी चिकित्सक हमको बोलता है कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता, आप घर पर जाकर खाओ पियो और मौत का और मृत्यु का इंतजार करो। ये स्थितियाँ समाज के अंदर आ रही है। चिकित्सकों के प्रति, चिकित्सालयों के प्रति लोगों के मन में दो तरह के भय है। एक तो ये भय है कि हमसे बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया जाएगा, दूसरा भय ये है कि चिकित्सा का सही दिशा में चिकित्सा हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम हमारे शिविरार्थियों को, हमारे व्याधियों को लेकर आने वाले परिजनों को हम यहाँ पर रोगी नहीं बोलते हैं, पेशेंट नहीं बोलते हैं, ना भाई साहब बोलते हैं, दादा बोलते हैं, दादी जी बोलते हैं, नाना जी बोलते हैं, ताकि उनको घर जैसा वातावरण मिले, है ना। उनको भोजन भी उसी तरह से कराते हैं कि उनको घर जैसा वातावरण, आत्मीयता और प्रेम वाला वातावरण विनिर्मित करके एक आध्यात्मिक वातावरण के सामने चिकित्सा की जाती है। ये वास्तविक चिकित्सालयों का एक मॉडल है। हमें देश भर के प्राकृतिक चिकित्सालयों से निवेदन भी करना चाहूंगा कि एक आत्मीयता वाला वातावरण विनिर्मित करे, आत्मीयता वाला प्रेम और प्यार दे, एक पेशेंट और रोगी का संबंध ना हो, एक व्यवसाय और एक पेशेंट का संबंध ना होकर एक प्रेम और वातावरण, क्योंकि लोग तनाव से भर गए हैं, चिंताओं से भर गए। कोरोना काल में तो बहुत लोग तनाव से भावनात्मक रूप से परेशान हो गए, तो वहां पर उनको प्रेम की जरूरत है, एक चिकित्सक से विश्वास की जरूरत है, चिकित्सक से। तो ये सब चीजें होनी चाहिए समाज के अंदर। हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है, ऐसे अनेकों चिकित्सालयों के देश में जरूरत होगी, अनेकों चिकित्सकों की जरूरत होगी, और लोगों को इसकी जरूरत है, नीड है, आप पूरा जरूर करें। हमारे बीच में इसी ट्रस्ट से जुड़े हुए हेमंत जी झोपे है, जिनको पार्किंसन की समस्या है और ठीक से वो खड़े भी रहने में असक्षम महसूस करते हैं, बोलने में असक्षम महसूस करते हैं। वो जब यहाँ पे अच्छी चिकित्सा लेने के लिए आ रहे थे तो उनके मन में काफ़ी सारी दुविधाएं थी, तकलीफ थी कि वो चिकित्सा ले पाएंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जो पार्किंसन की समस्या होती है, पार्किंसन की समस्या में हाथ कपकपाते हैं, रीढ़ की हड्डी में समस्या पैदा होती है, जीभ भी लड़खड़ाती है, पर इनके भाव है कि ये फीडबैक दे, ठीक से बोल भी नहीं पाते तो भी आप बोलिए कैसा लगा आपको, आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से लोग समझेंगे कैसा लगा आपको, शरीर में कैसा लगा, क्या नाम है, कहाँ से, पूरा बताइए। मैं हेमंत झोपे जलगांव से हूँ। बहुत बढ़िया। और 20-22 साल से समस्या जुड़ा हूँ मैं। मेरे को पार्किंग से प्रॉब्लम है 14 साल से पार्किंग समस्या है। मैं गोली कम से कम 5-6 गोली सवेरे लेता हूँ और 3-4 गोली शाम को लेता हूँ। 5-6 गोली सुबह और 4-5 गोली शाम को, वैसे 10-12 गोलियां रोज खाते हैं आप? रोज खाता हूँ मैं। अभी मेरा दवाई पूरा आधा बंद, आधी गोलियां इनकी बंद हो गई है
और ये दवाइयाँ बंद होने पर कम करने पर लोग बोलते हैं कि समस्या बढ़ जाती है, ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ आपको? नहीं, समस्या उठने का वही समस्या, बल्कि और ऊर्जा लेवल बढ़ी है, ऊर्जा लेवल बढ़ी है, चलने फिरने की ताकत बढ़ी है, ताकत बढ़ी है। अभी कैसा लग रहा है आपको 5 दिन शिविर करने के बाद? शिविर करने के बाद में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, आपके जैसे लोगों को जिनको पार्किंसन की समस्या है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है सब भाई साहब को, और स्पाइन का ऑपरेशन भी हो चुका है, किस तरह की भाव है बताइए? मैं तो समझो रोगी हूँ, लेकिन जो निरोगी लोग हैं उन्होंने करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। हेमंत जी झोपे का भाव ये है कि मेरे पास में इतनी सारी बीमारियां हैं, और इनके मन में ये भाव ये आया कि मैं जब स्वस्थ था, तंदुरुस्त था, चलता फिरता था, तब ये चिकित्साएं मैं करता तो मेरे को ये समस्याओं को आज अपने जीवन में देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक साक्षात उदाहरण है हमारे बीच में, जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बीमारी का इलाज करने के लिए तो कहीं भी जाएगा जाएगा, पैसा भी खर्च करेगा, समय भी खर्च करेगा, पर यदि हम स्वस्थ रहते हुए अपना इलाज पहले ही अपने आप को मेंटेन करके रखे, अपने शरीर को शुद्ध करके रखे, इम्यूनिटी को बढ़ा के रखे, वजन को मेंटेन करके रखे, तो ये ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर लंबर पेन है, नींद की समस्याएं है, या पार्किंसन की समस्या है, हृदय रोग की समस्या है, हमको होगी ही नहीं। आयुर्वेद में बोला गया है कि हम रोग के लक्षणों का इलाज करें, रोग होने ही ना दे, और उक्ति भी अच्छी गई है, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय का होए। जब स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वस्थ को बनाए रखने का संकल्प ले लेगा तो बीमारियां होने की संभावनाएं ही नहीं होगी। तो आप सब लोगों ने सुना समझा हमारे सब शिवरात्रि को अनुभूतियों को, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दे, तुलसी हेल्थ केयर सेंटर को, Facebook पे भी हमारा पेज बना हुआ है उसको भी लाइक कर दे आप, Instagram पे भी हमें फॉलोअप करें, इस तरह के काफ़ी सारे फीडबैक को आप सुने जरूर, समझे जरूर, और एक बार प्राकृतिक चिकित्सा करने के लिए 5 दिन का समय देने के लिए यहाँ पर आए। कम से कम शुल्क में अधिकतम रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था एक ही शुल्क में हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, प्रणाम।